लंबित लय में झूम किया उत्तराखंड राज्य
चुमता चुमदरी ओ बुढ़ा ढोसला ओ बुढ़ा ढोसला बुढ़चा बुढ़ा ढोसला चमकी बुढ़ा ढोसला ओ बुढ़ा ढोसला बुढ़चा बुढ़ा ढोसला चमकी बुढ़ा ढोसला ओ दरी हिमाल दरी ताचुमता चुमदरी ओ दरी हिमाल दरी ताचुमता चुमदरी ओ दरी हिमाल दरी ताचुमता तो सभी बच्चे यहीं पर रहेंगे, सब पूरी टीम यहाँ पर रहेगी। मुझे आदरणीय चंदोला जी और मीनू अग्रवाल भी ने कुछ कहने का निर्देश किया है। सभी बच्चे यहाँ पर रहेंगे और श्री चंदोला जी, श्री चारू तिवारी जी और हमारे संरक्षक जन मंच पर आएंगे। टीम का परिचय मीनू अग्रवाल बीस जी का कहना है कि पहली बार फ्यूजन में इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमने किया है, यदि कोई त्रुटि हुई तो आप हमें क्षमा करेंगे। कुमाऊनी जो डांसर थी, गर्ल्स रीमा सोनी पवित्रा उप्रेती भाग्यश्री भावना और कुसुम, तालियों से इनका स्वागत करें। आगे आप अभिनंदन स्वीकार करें दर्शकों का। कुमाऊनी बॉयज जो थे, हमारे पुरुष नर्तक थे, विजय पांडे, सुभाष पंत, देवेश पंत, ऋतिक, कपिल सिंह बिष्ट और सचेश शाह। तालियों के साथ हमारे पुरुष नर्तकों का स्वागत करें। कथक डांसर्स चेतना भट्ट, जानवी भट्ट, जानवी भट्ट, श्रिया पांति, अवनी धपोला और अनुष्का बोरा। एक बार इनके लिए हम साधुवाद व्यक्त करें। इसके पश्चात जो क्लासिकल में परंत कर रहे थे, मल्लिका पांडे, स्वाति जोशी और पलक जोशी, परंत के कलाकार, नाल पर बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हमारे थे श्री मनोज दुबे जी। जोरदार तालियों के साथ इन्हें आगे आमंत्रित करें। फ्लूट और हुड़का में जाना माना नाम श्री मोहन चंद्र जोशी, आगे आ जाएं ग्रुप के लिए। सितार पर थे श्री भास्कर कापड़ी जी, जो बहुत ही विद्वत हैं और एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। सिंगर्स श्री भास्कर भट्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, और चित्रा ढेला जी। तबले पर श्री गिरजेश तिवारी जी, श्री गिरजेश तिवारी जी और एक बहुत ही बुजुर्ग तबला नवाज को हम यहाँ पर बुला रहे हैं, तालियां जरूर बजाइएगा, यतिन भट्ट जी। आइए आइए आइए, यहाँ पर आइए। तो बहुत ही बुजुर्ग तबला नवाज हमारे हैं, जोरदार तालियां। और हमारे मैनेजिंग टीम के बहुत सारे साथी हैं, वो आ जाएंगे। हम समय को बचा रहे हैं, देवेन बीजी और सभी बीजी लोग आ जाएं। और इसके परिकल्पना हरीश बीजी आ जाएंगे, देवेन बीजी आ जाएंगे। और जोरदार तालियों के साथ इस प्रस्तुति की परिकल्पना और निर्देशन के लिए मीनू अग्रवाल बीजी। हम अनुरोध करते हैं श्री चंदोला सर से कि कृपया इन्हें सम्मान करेंगे श्री चारू जी, श्री चंदोला जी, आदरणीय भट्ट जी, जो जो यहाँ पर उपस्थित हैं। मीनू जी आप बीच में खड़े हो जाइएगा। और मीनू अग्रवाल बीस जी का कहना है कि पहली बार इस तरह का कुमाऊनी और शास्त्रीय फ्यूजन हमने किया है, भूल होना स्वाभाविक है, कृपया हमें क्षमा करें। वेद व्यास ने कहा भी है कि क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, और क्षमा ने ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का धारण किया है। इसलिए यदि कोई त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करेंगे। चंदोला जी सर, क्या एक अंतिम प्रस्तुति है भगवत मनराल जी की, तो एक बार आइए
इन बच्चों को आशीर्वाद दें इन शब्दों के साथ कि हो के मायूस नागन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। अपने संस्कृति के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, ये साधुवाद इन सभी बच्चों को। ये जो प्रस्तुति है ये एक चैलेंज था और बखूबी निभाया है मीरू जी ने, और अभी भी इसमें जो कुछ और गुंजाइश होगी वो मैं आप सभी की राय जानना चाहूँगा। और जितने भी लोग हैं और नज़दीक आ सकते, कम से कम ये तो बता दें कि ये तालियों की गूंज तो हो, मालूम चले मुझे कि क्या ये एक्सपेरिमेंट ठीक था, क्योंकि बहुत कम अंतराल में हमने ये लगभग 15 दिन में तैयार किया है। और 15 दिन पहले हमने रिक्वेस्ट की थी मैडम से कि आप कुछ ऐसा एक क्रिएट कीजिए, और अभी हालांकि हम जैसा और कुछ इसमें चाह रहे हैं और उसको और डेवलप करेंगे ऐसा मैडम ने कहा है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम हमारे पास था, हल्द्वानी डेंगू की चपेट में था, इनके स्टूडेंट्स भी और परिवार भी सब तरफ से, स्टाफ भी सब तरफ से दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। तो मैं एक बार ये कोशिश करूँगा कि ये क्रिएशन, ये प्रोडक्शन दिल्ली में भी जाए, और डेफिनेटली पूरा प्रयास रहेगा कि ये प्रोडक्शन एक और सुदृढ़ रूप में कथक के साथ, जिसे परफेक्ट फ्यूजन जिसे हम कहेंगे, फिर आज हम थोड़ा सा कथक अलग और ये कुमाऊनी अलग देख रहे थे, लेकिन जब जब फ्यूज होगा और प्रॉपरली तो कुछ अलग अंदाज होगा, और ये दिल्ली में शो होगा, ये मैं वादा करता हूँ आपको।